ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हों, जैन हों, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ है। अखिलेश जी, आपके कार्यकर्ता आपको बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्या सही मौका है? देखिए, कौन वहाँ बनेगा, कौन पहुँचेगा, ये सवाल नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, पीडीए से घबराए हुए हैं। और बीजेपी की जो रणनीति थी कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट देना और एक अपनी वो जगह ढूंढ रहे कि कहाँ लड़ें जा करके। सोचो, जिस दल की दिल्ली और लखनऊ में सरकार हो, वो अपने सांसदों की टिकट काटने जा रही हो, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्हें अपने सांसदों की टिकट काटनी पड़ रही है। कांग्रेस कह रही है कि आपने अपनी लिस्ट ऐसे ही निकाल दी, उनसे बातचीत नहीं हुई। बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है, और सीटों के तालमेल को लेकर के जीत ही आधार है, गठबंधन के लिए जीत ही आधार है। नीतीश कुमार और उसी के तहत दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं, और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों में सहमति बन जाएगी, इंडिया गठबंधन और पीडीए आने वाले समय में एनडीए को हराएगा। देखिए, ईडी थाने की तरह है, इसलिए थाने की पुलिस उसी हिसाब से चलती है जो सरकार होती है। ईवीएम का आरोप लगाते रहा है विपक्ष, अब आपने अफसरशाही पे आरोप लगाया, तो इससे कैसे लड़ेंगे 2024? ईवीएम हटेगी तभी जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। मैं जनता से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, ईवीएम हट जाएगी अपने आप। बैलेट पेपर्स कराएंगे क्या? जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो विकसित देशों में जिस तरह की व्यवस्था है, कम से कम विकसित देशों की उस व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए। अगर वह बैलेट से वोट पड़ते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, या दुनिया में और देश हैं जो आपके पड़ोसी देश हैं, उनमें अगर बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो उस दिशा में भी विचार करना चाहिए। बीजेपी को हटाइए, हराइए, 80 हराइए, अपने आप ईवीएम हट जाएगी। पिछले विपक्ष को कैसे एकजुट करेंगे? ये पीडीए एक होगा। देखिए, ये पॉलिटिकल यात्रा पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा है, वो अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। अखिलेश जी, पार्टी आपकी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, और यहाँ पर महिला चेयरमैन है, कहीं पोस्टर में उनका नाम नहीं है, कहीं फोटो नहीं है, और कहीं मंच पे भी नहीं है, और यहाँ पर प्रतिनिधि ने लिखा है। तो यार, ये बताओ, कोई नई चीज है ये? प्रधानपति कितने घूम रहे हैं? नहीं, लेकिन ये कोई बात हुई? अब हम आपसे शिकायत करें कि आप लोग सब पुरुष क्यों आए हो, ये कोई बात हुई आपकी?